हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है टिहरी बांध परियोजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और विलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी यानी गंगा नदी पर भागीरथी और विलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और विलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य 1978 से प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, और इसकी जो ऊंचाई है 260.5 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण जो है इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति और पर्यावरण को क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। यह भागीरथी और विलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। सेकंड नंबर है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी एवं विलांगना नदी पर, याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा भागीरथी नदी, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, टिहरी बांध बना है किस नदी पर? टिहरी बांध बना है गंगा नदी पर। देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर सी बातें हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में टिहरी के नजदीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने के कारण इसका उत्तर गंगा होगा। देखिए, भागीरथी गंगा की मूल नदी है, अतः विकल्प डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए चित्र में टिहरी बांध के स्थान को जो है चिन्हित किया गया है, तो देखिए आप यहां पे मैप को देखिए और बताइए कि इसमें जो सही जो इंगित किया गया है वो कौन सा है, ए बी सी डी में से कौन सा है? तो देखिए सी, ठीक है, सी इसका सही जवाब होगा, सी से इंगित किया गया है। टिहरी गढ़वाल के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि ए अवस्थान भागीरथी पर, बी अवस्थान विलांगना नदी पर अवस्थित है। इन दोनों ही नदियों के सम्मिलित बिंदु पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, जिसे बिंदु सी से चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है दामोदर घाटी परियोजना, इस टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दामोदर नदी, याद रखिएगा, दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1953 में पूरा हुआ, याद रखिएगा। कोनार बांध, कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण 1955 में हुआ था। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा किया गया। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। इसका निर्माण 1959 में पूरा हुआ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से दो नहरें निकाली गई है। इन नहरों से वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि जो है सिंचित होती है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा, बराकर, बी ऑप्शन। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। सेकेंड प्रश्न है, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा, बराकर। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। सेकेंड के बाद जो है थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए कह रहा है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण आर, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। इन दोनों में से आपको बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी जो है बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रकृति काफी कम हो गई। फोर नंबर है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 1948, यानी डी ऑप्शन। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत 1948 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विविध परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में, हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।